अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल में मैं होता हूँ। और 29 अक्टूबर जो है हम स्ट्रोक डे मनाते हैं। उसका पर्पस यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि ये स्ट्रोक से कैसे प्रिवेंट करना है और अगर हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। तो प्रिवेंशन ये है कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, स्मोकर हैं या आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उसको कंट्रोल करें। स्मोकिंग भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसको आप जो है ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरे सबस्टेंस हैं जैसे ड्रग एब्यूज़र्स, ये सारे असबाब बनते हैं स्ट्रोक के। तो अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे शुरू में तो स्ट्रोक नहीं होगा। अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा प्लान है रिहैबिलिटेशन का, हाउ टू रिहैबिलिटेट हिमसेल्फ अटेंडेंट। तो उस पर बर्डन आ जाता है कि उसको कैसे फिर रिहैबिलिटेट करें। तो मेन एम यही है कि स्ट्रोक की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कोई बाज़ औक़ात जिसको स्ट्रोक हो जाता है तो वो नहाते नहीं है, कहते नहीं वो गंदगी, वो कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं, तो उसकी वजह से तो नहीं होता है कि नहाने से या स्ट्रोक तो नहीं होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नहाने से स्ट्रोक हो गया। मेन एम यही है कि आप अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। थैंक यू।